जब भी मैंने अपने घर की होम क्लीनिंग का वीडियो आपके साथ में शेयर किया, आप में से बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स के हमेशा मेरे पास कमेंट्स आए हैं शुरू से लेके अब तक कि मेरे घर का जो फर्श है वो बहुत साफ़ सुथरा और चमकता हुआ रहता है, शाइन करता है। मैं ऐसा क्या करती हूँ कि मेरे घर का जो फर्श है वो बिल्कुल चमकता हुआ, साफ़ सुथरा और शाइन करता है और इस पर एक भी पीले धब्बे या दाग नहीं हैं। तो आज मैं शेयर करूँगी आपके साथ में टाइल्स या मार्बल का फर्श या फिर वुडन फ्लोरिंग अगर आपके घर में है तो आप उसको किस तरीके से साफ करें, और साथ ही साथ शेयर करूंगी कि बाजार में मिलने वाले जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं वो कितने कारगर साबित होते हैं हमारे घर के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा रही हूँ अपने घर का ये फर्श जो कि हमेशा क्लीनिंग मैं खुद ही करती हूँ और काफी पुराना फर्श है ये, मतलब काफी साल हो गए हैं मुझे इसमें घर में रहते हुए और क्लीनिंग मैं खुद ही करती हूँ। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इतने सालों बाद भी मेरे घर का जो फर्श है वो बिल्कुल साफ सुथरा और चमकदार बना हुआ है। तो उसके लिए वैसे तो देखिए बाजार में बहुत सारे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मैं आपको सारे ही घर का दिखा रही हूँ, अंदर से लेके बाहर तक का और बैल्कनी का, आगे पीछे बैल्कनी का भी और घर के अंदर का भी, इससे आपको पता चल सके कि मेरे घर का ओवरऑल फर्श किस तरीके का है। तो मार्बल ही है तो इसको मैं किस तरीके से क्लीन करती हूँ वो बताती हूँ। तो देखिए सबसे पहले दिखाती हूँ, कुछ लोग करते हैं फर्श के ऊपर दाग धब्बे जो होते हैं वो हटाने के लिए इस तरीके से जो हार्पिक आता है, जो टॉयलेट क्लीनर होता है, उसको मार्बल की या किसी भी टाइल फ्लोरिंग पे यूज़ करते हैं। मैंने कई बार देखा है जो कि बिल्कुल गलत है, और कुछ लोग ये इस टाइप के जो डिटर्जेंट पाउडर होते हैं उनको अपने घर की फ्लोर क्लीनिंग में यूज़ करते हैं, जो कि वो भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो आपके फ़र्श को, क्योंकि जो टॉयलेट क्लीनर है वो तो एक तरीके का एसिड है, वो आपके फर्श पर से जो उसकी स्मूथनेस होती है, जो चमक होती है, वो बिल्कुल ख़त्म कर देता है। इसके अलावा जो भी सर्फ होते हैं या फिर डिटर्जेंट पाउडर होते हैं वो भी अगर आप रेगुलर बेसिस पर यूज़ कर रहे हैं तो आपके घर की जो फर्श की जो चमक है उसकी जो शाइन होती है, क्योंकि फर्श के ऊपर पॉलिश की हुई होती है, डायमंड पॉलिश वगैरह जो होती है वो धीरे धीरे करके अगर आप इसको रेगुलर टाइम तक यूज़ कर रहे हैं तो वो ख़त्म कर देता है। अच्छा, अब साफ किस तरीके से करें, तो उसके लिए मैं आपको एक होममेड रेमेडी बता रही हूँ जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और ये काफ़ी कारगर साबित हुआ है मेरे लिए। हाँ, ये चीज़ मैं ज़रूर बताऊँगी कि एक बार में या दो बार में बिल्कुल भी नहीं होगा, इसको आप रेगुलर बेस पर यूज़ करें। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे दाग धब्बे होते हैं जहाँ पर मेरे घर में, तो वैसे तो आपको बहुत रेयरली देखने को मिलेंगे लेकिन पोछा लगाते टाइम हो जाता है कभी कभी, तो ये मैंने लिया है जो खाने वाला सोडा होता है यानी कि बेकिंग सोडा, और उसके अंदर डाला है थोड़ा सा, मैंने डाला है वाइट विनेगर। तो इसको हमने डालना है बहुत ही थोड़ा सा, बेसिकली हमें एक सॉल्यूशन बनाना है, और सॉल्यूशन बनाने के बाद में आप ये देख रहे हैं आप मेरे घर में जो स्काल्टिंग होती है ये थोड़ी सी गंदी है क्योंकि डेली रोज़मर्रा में हम पोछा लगाते हैं तो इस साइड में नहीं हो पाता। तो मैं आपको थोड़े से ही पोर्शन में साफ़ करके दिखाऊंगी जिससे कि आपको पता रहे, डिफरेंस पता चले कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ और ये जो टेक्निक मैं बता रही हूँ, ये जो तरीका बता रही हूँ, ये कितना कारगर साबित होता है। तो मेरे पास तो मोटा ब्रश नहीं है, आप इसके लिए कोई भी अच्छा मोटा ब्रश ले, चाहे तो टूथब्रश की हेल्प से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरे पास भी एक ये छोटा सा ही ब्रश था, उससे क्या करना है, सॉल्यूशन को पूरा लगा देना है अच्छे से, अब जहाँ पर भी आपका फर्श पे मैल लगा हुआ हो। और ये देखिए सिर्फ इतना ही पोर्शन मेरा काला है, वैसे तो बहुत लंबी स्कर्टिंग है जो काली हो रखी है, उसको मैं बाद में क्लीन करूँगी, आपको थोड़ा सा करके दिखाती हूँ। अब ये मैंने लगा दिया है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन को लगाने के बाद में आपको पहले तो ये ध्यान रखना है कि उसमें आपने जो वाइट विनेगर डाला है वो थोड़ा अच्छी मात्रा में डालना है जिससे कि ये लिक्विडी थोड़ा सा रहे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और डालने के बाद में उसको अच्छे से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद में आपको क्या करना है, इसके ऊपर लगा देना है, और लगाने के बाद में इसी ब्रश की हेल्प से पहले तो 10 मिनट तक छोड़ दें, और इसी ब्रश की हेल्प से और इसको आप हल्के हल्के रब करना है, बहुत ज़ोर से रब नहीं करना है, और रब करने के बाद में
इसको पहले आप किसी भी मॉप से साफ कर दें। कोई भी कपड़ा है, सॉफ्ट कपड़ा है, जैसे कि ये पोछे मिलते हैं मार्केट में, मैं तो इससे साफ कर देती हूँ। तो इतना ही पोर्शन मैंने साफ कर रही हूँ, तो करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। जब ये पूरा अच्छे से साफ कर देंगे, उसके बाद में आपको गीले कपड़े से भी साफ करना है। इससे क्या होगा कि जितनी भी डस्ट वगैरह है और जितना भी मैल है वो सब निकल जाएगा। तो मैं इसको पूरा अच्छे से, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रगड़ने से क्या होता है, हमारा फर्श तो साफ हो जाता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद में जो होता है, हमारा फर्श जो होता है अपनी चमक खो देता है। तो ये देखिए, ये मैंने क्लीन किया है इतना पोर्शन, और क्लीन करने के बाद में देखिए, और ये वाला जो बाकी का पोर्शन देख रहे हैं वो अभी गंदा है, तो उसको मैं बाद में साफ करूंगी। अच्छा, दूसरी बात आती है टाइल्स को साफ करने की। तो उसके लिए मैंने आपके साथ में ये प्रोडक्ट मैंने शेयर किया था जोफ, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आपको पसंद है तो आप यूज कर सकते हैं। तो इसको मैं अपनी सिर्फ और सिर्फ स्टील के ऊपर ही यूज़ नहीं करती, मैंने बेसिकली इसको सिंक साफ करने के लिए लिया था। सिंक और जो नल वगैरह होते हैं, हमारे टैप होते हैं, उस पर हार्ड वाटर के स्टेन वगैरह आ जाते हैं, तो मैं इससे क्लीन करती हूँ और काफ़ी अच्छे रिजल्ट मुझे लगते हैं। तो जब भी मैं अपनी सिंक वगैरह क्लीन करती हूँ इससे, उसके साथ ही साथ मैं अपने किचन की टाइल्स जो हैं वो इसी से साफ करती हूँ, और उसमें मुझे आप यकीन मानेंगे बिल्कुल विजिबल डिफरेंस देखने को मिला है इससे क्लीन करने के बाद में। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है, ये सॉल्यूशन को मैंने स्प्रे किया और उसके बाद में इस तरीके से मैंने इसके ऊपर रब कर दिया है, टाइल्स के ऊपर भी, नल अपने टैप के ऊपर भी, और उसके बाद में करने के बाद में 5 से 7 मिनट तक छोड़ देती हूँ मैं, और उसके बाद में इसको सिर्फ पानी से वॉश कर देना है। तो वॉश करने के बाद में इसमें एक खुशबू भी आती है, बहुत हल्की हल्की भीनी भीनी सी खुशबू भी आती है। तो मैं इसको काफ़ी टाइम से अपनी टाइल्स के ऊपर भी यूज़ कर रही हूँ और मुझे अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई है, और टाइल्स पे मुझे सच में इसमें बहुत ज़्यादा विजिबल डिफरेंस देखने को मिला है। तो ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, आपको जो अच्छा लगता है प्रोडक्ट आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे करती हूँ तो इसीलिए आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, आपको वॉश करने के बाद में दिखा रही हूँ, मेरे स्टील के नल के यानी कि टैप और सिंक, साथ ही साथ जो मेरी टाइल्स थी वो तो साफ हो ही गई हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ और बताऊंगी, इसको ग्रेनाइट के ऊपर बिल्कुल भी यूज़ ना करें। अगर आपने ग्रेनाइट पर इसको यूज़ कर दिया तो आपका ग्रेनाइट ख़राब होने का खतरा है। और आप देखिए, मेरी टाइल्स जो हैं बिल्कुल शीशे की तरह चमकती हैं, मैं इसी से इसको क्लीन करती हूँ, तो ये प्रोडक्ट तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो टाइल्स के लिए आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, डेली रूटीन की क्लीनिंग के लिए मैं जिस हिसाब से साफ करती हूँ, तो आपको पता ही है कि आजकल सैनिटाइज़ भी करना बहुत ज़रूरी है, तो ये मैं लाइजॉल का इस्तेमाल करती हूँ अपने घर के लिए, और आजकल सैनिटाइज भी करना पड़ता है, तो लाइजॉल के साथ में मैं थोड़ा डिटॉल भी डाल लेती हूँ। लाइजॉल के अंदर सोप और वाटर मिक्स होता है, तो इसीलिए जो आजकल कोरोना का खतरा है, तो सोप वाटर जो होता है वो इसके वायरस के मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है। तो आप जब भी अपने घर में मॉपिंग करते हैं तो सोप वाटर का ज़रूर यूज़ करें। तो उसके लिए मैंने तो जैसे लाइजॉल लिया है, और उसके बाद में लेती हूँ थोड़ा सा डिटॉल। लेकिन हफ्ते में 2 बार मैं एक स्पेशल अपने घर के लिए मैं एक सॉल्यूशन बनाती हूँ, जिससे मैं मॉपिंग करती हूँ, जिसकी वजह से मेरा घर सैनिटाइज तो रहता ही है, साथ ही साथ जो मेरा फर्श है वो भी चमकता रहता है। तो वो मैं कंटिन्यूसली काफ़ी टाइम से इसको कर रही हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले, तभी मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो मैं उसके लिए लेती हूँ, हफ्ते में 2 बार यूज़ करती हूँ मैं, 1 चम्मच डालती हूँ मैं पानी के अंदर, नॉर्मल पानी में सेंधा नमक, उसके बाद में कोई भी शैम्पू जो भी आप यूज़ करते हैं उसमें 1 से 1.5 चम्मच शैम्पू ज़रूर डाल लें। और शैम्पू डालने के बाद में जो हैंड वॉश होता है, तो हैंड वॉश भी बहुत अच्छा है हमारे जो इसके लिए, तो आप फर्श के लिए, तो आप हैंड वॉश भी 1 चम्मच डालें, 1 चम्मच शैम्पू, 1 चम्मच हैंड वॉश, उसके बाद में आप डालें इसके अंदर 1 चम्मच सेंधा नमक। सेंधा नमक जो होता है वो घर पे नेगेटिविटी जो होती है उसको दूर करता है। इसके अलावा शैम्पू जो होता है वो हमारे फर्श की जो चमक है उसको बरकरार रखता है। और जो मैंने हैंड वॉश यूज़ किया था वो जो है वो
हमारे सैनिटाइज करता है घर को, साथ ही साथ जो डिटॉल मैंने डाला है वो जर्म फ्री करता है घर को। तो ये चार चीज़ें मैं ज़रूर डालती हूँ मॉपिंग में, हफ्ते में 2 बार इस तरह की मॉपिंग करती हूँ। तो इससे मेरा घर भी पूरी तरीके से, फर्श जो है वो सैनिटाइज भी रहता है, फर्श चमकता भी रहता है। और यही आप सॉल्यूशन जो है वो टाइल्स के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, मार्बल के ऊपर भी कर सकते हैं, मकराना मार्बल जो होता है, और काफ़ी तरह का जो पत्थर होता है उसके ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं। टाइल्स के लिए मैंने बता ही दिया है कि किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये मैं हफ्ते में 2 बार करती हूँ। बाकी डेली रूटीन में मैं जो भी लाइजॉल है, इसके अलावा सेवलॉन वगैरह भी यूज़ कर लेती हूँ कभी कभी, कभी डिटॉल साथ में डाल देती हूँ। उससे क्या होता है कि जो कोरोना वायरस का खतरा है वो थोड़ा सा दूर रहता है। और किस तरीके से मैं प्रॉपर क्लीनिंग करती हूँ सैनिटाइज करने के लिए, वो मैं आपके साथ में ऑलरेडी एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, लिंक मैं ऊपर आपको आई बटन पर दे दूंगी, तो आप उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो इस तरीके से मेरे होती है फर्श की सैनिटाइजेशन और साथ ही साथ क्लीनिंग। अच्छा, अब बात करती हूँ मैं अपने इस मॉप के बारे में। काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स का मेरे पास कमेंट आते हैं कि मेरा ये मॉप कौन सा है और कैसे काम कर रहा है। तो मैं आपको बताऊं, ये मेरा काफ़ी साल पुराना मॉप है, ये लगभग 6 से 7 साल हो गए हैं और बहुत अच्छा चल रहा है ये मेरा मॉप। मैंने लोकल मार्केट से लिया था, पहले मैंने एक मॉप लिया था वो स्टार सीजे अलाइव, एक ऑनलाइन शॉपिंग करके है, वहाँ से लिया था, वो भी बहुत अच्छा था, वो काफ़ी लंबे समय तक चला था मेरा। और उसका जो मॉप था वो थोड़ा ख़राब हो गया था, तो उसके बाद में मैंने ये वाला मॉप लिया है। ये भी मेरा, ये मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज किया था, तो ये काफ़ी अच्छा है मेरे को। लगभग मैंने इसको यूज़ करते हुए 4 से 5 साल हो गए, मुझे ठीक से याद नहीं है लेकिन 4 साल से ज़्यादा ही हो गया है। और इस तरीके से इसके आप देख सकते हैं लॉक है इसमें, और क्लीनिंग इससे मुझे बहुत आसान लगती है। स्टील की इसके अंदर बास्केट दी हुई है। करो मार्केट में मिलने वाले फ्लोर क्लीनर की, तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं और मुझे DIY क्लीनर जो होते हैं वो ज़्यादा पसंद आते हैं। तो इसी वजह से मैं घरेलू चीज़ों का ही इस्तेमाल करती हूँ जो घर में आसानी से अवेलेबल होती हैं, जो लंबे समय तक अगर आप यूज़ करें तो नुकसान भी नहीं पहुँचाती हैं, साथ ही साथ आपका घर क्लीन भी रहता है। तो बस आज की जानकारी इतनी थी, आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जल्दी मिलूंगी एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बी हैप्पी, बी क्रिएटिव एंड बी सेफ।